चौल छड़ी गे माधव सिंह, दाल दली गे माधव सिंह, सभी घर आ गए ना माधव सिंह, मेरे माधव घर नहीं आई माधव सिंह। हाय दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से उत्तराखंड की छोर से। तो आज है उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन पर्व इगास, जिसे एकादशी कहा जाता है, और एकादशी मनाया जाता है दीपावली के ठीक 11वें दिन। और ये 11वें दिन क्यों दीपावली मनाई जाती है हमारे उत्तराखंड के अंदर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज मेरे हाथ में तार, ये कर रहे हैं हम विकास की तैयारी, इससे बनाएंगे हम गढ़वाल का सुप्रसिद्ध खेलने वाला दीपावली में। तो फ्रेंड्स, अभी है, आज है इगास, और इगास के लिए यहाँ पर हम भैलो खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम रात को भैरव खेल सकें। उसके लिए हमें एक तार मिली है, और जो तार है वो उसमें वो जल रखी है, इसलिए उसमें जो होता है काला काला वो निकाल रहे हैं पापा। दो तारें मिली है और पापा उसे ठीक कर रहे हैं, ताकि हम भैलो खेल सकें रात को, और आपको खेलते हुए दिखाएंगे और किस तरह से अभी पापा यहाँ इस तार को ठीक कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और बगल में जो सुप्पे में है, सुप्पा ही बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, वो मोटी दाल है। तो फ्रेंड्स, अभी हम खा रहे हैं चॉकलेट जो कि पापा ले आए थे, हमारा मतलब है पापा को किसी ने दी थी। और मेरी बहन खा रही है सेंटर फ्रूट, ये भी शायद किसी ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये तार थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अभी पापा इसे काट रहे थे, और अभी शायद फिर काटेंगे, थोड़े तार को सही कर रहे हैं। अब देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए, ये तार को थोड़ा घुमाएंगे और फिर अब पत्थर से भरेंगे, और अब ये टूटने वाला है। अभी थोड़ा ज़्यादा ताकत लगती है इसमें। ये टूटे टूटे। तो फ्रेंड्स, ये तार टूट चुका है, ये आप देख रहे होंगे तार को जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब पापा और बहन इसको डबल कर रहे हैं, ये देखिए। और भैलू कैसे बनाते हैं ये भी आपको दिखाया जाएगा वीडियो में। एक इधर सो तो दोनों हाथ से पकड़ना, दो हाथ से पकड़, अरे दो हाथ से अलग अलग और अलग इसको अलग कर। तो आखिर क्यों मनाया जाता है इगास गढ़वाल के अंदर, एकादशी के दिन क्यों दोबारा दीपावली मनाई जाती है, इसके पीछे है माधव सिंह की एक बहुत बड़ी कहानी। अगर आप लोग माधव सिंह से परिचित नहीं होंगे तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। होता क्या था कि उत्तराखंड में बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर एरिया तिब्बत चीन से लगा हुआ है, जहाँ पर सेना को भगाने के लिए, लड़ाई करने के लिए कई बार गए थे। और माधव सिंह एक भड़ परिवार से थे जो मलेथा के रहने वाले थे, और हुआ क्या था कि तीसरी बार जब वो लड़ाई में गए थे तिब्बती सेना को भगाने के लिए, तो उस बीच दीपावली का टाइम था, और दीपावली के बीच वो यहाँ पर आए, वापस नहीं लौट पाए थे। तो लोगों ने सोचा कि न जाने उनके साथ कोई हादसा हो गया होगा, उस हादसे के चलते उत्तराखंड के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। और ठीक 11वें दिन, दीपावली के 11वें दिन, वो सुख समृद्धि से सही ढंग से विजय होकर वापस उत्तराखंड आ गए, यहाँ पर अपने गांव आ गए। तो तब से जो है उत्तराखंड में दीपावली मनाई जाती है, एकादशी को एकास के तौर पे उसको यहाँ पर मनाया जाता है, वीर भड़ माधव सिंह के कारण ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पापा कर रहे हैं भैले की तैयारी, और भैले के बनाते साथ साथ आपको वह माधव सिंह भंडारी की कहानी भी सुनाएंगे। माधव सिंह भंडारी जो है भड़ परिवार से थे। किस परिवार से थे? भड़ परिवार से थे, और कहाँ के रहने वाले थे? मलेथा के रहने वाले थे। हुआ क्या है कि मलेथा में जो है बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी, लेकिन उस खेती को करने के लिए क्या है, या तो बारिश का जल चाहिए, या फिर जो है सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है।
लेकिन मलेथा में क्या थी कि जो हमारी श्रीनगर की अलकनंदा नदी है वो नीचे की तरफ बहती है और जो खेत हैं वो सारे ऊपर की तरफ है, तो वहाँ के लोगों के पास खेत तो बहुत अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ पानी का संकट बहुत गहरा गया, वो खेत जो है सूख जाते थे, जो भी उसमें वो बीज बोते थे तो उससे वो खेत सूख जाते थे, वो उस फसल नहीं हो पाती थी उनको, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता था, तो सारे लोग पानी के कारण परेशान थे। और वहाँ पे जो एक गदेरा आता था, एक खाला आता था, उसका वो दुगड्डा ढांगचौरा से होते हुए आता था नीचे, लेकिन वो बीचों बीच कहाँ गायब हो जाता था पता नहीं चलता था। तो माधो सिंह ने सोचा कि अगर जो है उस गधेरे से एक क्या की जाए, सुरंग बना दी जाए, तो वो सुरंग मलेथा को के सारे खेतों के लिए वहाँ से पानी हो सकता है। लेकिन वो सुरंग कैसे बना दी जाए, उस समय व्यवस्थाएँ भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तो उसने क्या किया कि उसने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर जो है उस पर सुरंग खोदनी शुरू कर दी वहाँ पर। और जब सुरंग खोदनी शुरू कर दी तो क्या हुआ, पानी फिर भी नहीं आया, सुरंग खोद ही नहीं गई, बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जो है उन्होंने सुरंग को पार कर दिया, अर्पार कर दिया, लेकिन फिर भी पानी वहाँ पर नहीं आया। तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर वो रात को सोया हुआ था, और सोते हुए जो है उसके सपने में क्या आया, काली देवी आई, काली देवी या जो भी उनके इष्ट देव रहे होंगे वो आए, और उन्होंने माधव सिंह को बोला कि देख माधव, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में पानी पहुंचे और जहां पे तुम मेहनत कर रहे हो वहां से पानी पहुंचे, तो क्या होगा, तुझे अपने बच्चे का क्या देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। जब तू अपने बच्चे का बलिदान देगा तभी जो है वहां पर पानी आ पाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो इस पे जो है कैसे बलिदान दिया, क्या दिया, इसके बारे में कभी विस्तृत में हम चर्चा करेंगे। तो माधव सिंह ने क्या किया, वहाँ पर पानी आने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया, और जैसे ही माधव सिंह ने बलिदान दिया तो आगे आगे उसके बच्चे का खून गया और पीछे पीछे पानी निकल गया। और आज जो है मलेथा का वो सेरा बहुत फेमस होता है, वो खेती बहुत फेमस है, बहुत अच्छी फसल वहाँ पर उगती है। लेकिन आज की डेट में देखें तो आधी हो चुकी है, क्योंकि अब वहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, रेल वहाँ पर पहुँच रही है, वहाँ पर स्टेशन बनेगा, तो वो जो खेत थे वो अब आधे हो चुके हैं। तो वीर भड़ माधव सिंह का बलिदान हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो इसी तरह की जो हम आज इगास यहाँ पर मनाएंगे या इगास के बारे में जो तैयारियाँ हम करते हैं वो माधव सिंह की घर कुशलता पहुँचने की खुशी में हम मनाते हैं, कि वो जो है दीपावली के टाइम पे नहीं पहुँच पाए थे, जब वो लड़ाई पे गए थे तिब्बतियों के दौर पे, तो समय वो आए नहीं थे घर, तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई थी उस टाइम। और जब वो 11वें दिन उनकी खबर पहुंच गई सारे उसमें दीपावली के ठीक 11वें दिन, तो उस दिन फिर दीपावली मनाई, इसलिए जो है उत्तराखंड में इगास को मनाया जाता है एकादशी के दिन, यानी कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन ही इगास को मनाया जाता है, एक दीपावली मना दी जाती है, और तो तब से जो है ये प्रचलन है। और आज हम उसी दीपावली को मनाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं एक छोटा सा भैला, और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे बन रहा है यहाँ पर भैला। पहले हमें यहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, पापा ने बना रखा है एक तार का एक गोला, जिसके अंदर पापा लकड़ियाँ भर रहे हैं, और लकड़ियाँ पूरी ठीक आनी चाहिए, और अगर लकड़ियाँ गिर गई तो भैला ख़राब हो सकता है। और इस तरह से भरनी है लकड़ियाँ, तो फ्रेंड्स ये हम कर रहे हैं भैले को टाइट पापा, ताकि ये जो लकड़ियाँ हैं वो ना निकले। और ये बहुत ही तरह से वो हो जाता है, ढीला हो जाता है, जब इसमें आग लगती है तब ये निकल भी सकता है, इसलिए हमें इसे पहले ही ध्यान रखना पड़ता है इन सब बातों का जिस समय हम इसे बनाते हैं। ये देखिए गट्ठी बन गई है, गट्ठी टाइप की, और इसमें हमें मुश्किल से लकड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ले जानी पड़ती हैं ताकि वो भैलू ढीला ना हो। ये देखिए कितना टाइट लग रहा है दिखने में, लेकिन अभी भी इसमें एक लकड़ी और घुस रही है, बहुत घुसेंगी क्या पता। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर डूब रहा है सूरज और शाम होने वाली है,
शाम होने वाली है। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए सेंट्रल फ्रूट का गुब्बारा फुला रही है। और पापा बैलू बना रहे, इसमें काफी लकड़ियाँ लगती हैं, ये आप देख सकते हैं। बीच बीच में डालनी पड़ती है, क्योंकि क्या पता कि ये बीच ही से साइड हो, यानी कि बीच ही से ढीला हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा भैला तैयार। इसमें जो देख सकते हैं इसकी जगह जो है ना, ये जो तार लगाया ना हमने, इस तार की जगह इसमें वो लगाते हैं क्या, एक घास होती है अपने यहाँ, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो लगाई जाती है इस तार की जगह। क्योंकि इस तार का जो है ना, जब ये जलेगा नीचे से, उसके गर्म होने के चांसेज होंगे पूरे, तो गर्म होने से हाथ जल सकता है। लेकिन उससे क्या होता है, जो जिसको हम लपेटते थे घास को, घास की बेल होती है बहुत बड़ी, तो उससे जो है गर्म नहीं होता है हाथ, और इसको तुम खेल सकते हो। तो इसका अभी क्या करेंगे, हम शाम को दिया बाती करेंगे, उसके बाद इसका पूजन होगा। इस पे खेलना मतलब आप वो अलग वाला खेलना मत समझना जैसे बच्चे खेलते हैं, ये अलग वाला होता है। इसको जो है शाम को तिलक किया जाएगा, इसकी पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद जो है इसको खेलने का प्रयास किया जाएगा, कैसे खेलते हैं इसको कोशिश करते हैं। तो बहरहाल हमने इसको बना के रख दिया है यहाँ पे अलग से, अलग जगह पे। देख सकते हैं आप, ये यहाँ ऊपर पे मैंगो का ट्री है छोटा सा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भला कैसा बना है। इसको हम खेलेंगे रात 10 बजे के बाद, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाया जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेलकम पार्ट, बाय।